हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, आज है 19 जनवरी। सो 19 जनवरी के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम एप्लीकेशन पर @currentaffairsbyravi लिख कर सर्च करना होगा, तो आप टेलीग्राम का जो पर्सनल अकाउंट बनाया गया उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। या तो फिर आप हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, @श्री एजुकेशन लिखकर सर्च करेंगे तब चैनल आ जाएगा, वहां से भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आपके पास टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम एप्लीकेशन का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उसमें लिंक गिवन है, ठीक है। वहां से डायरेक्ट आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन पर जाकर इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको। और अब स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर। बट करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले कल का जो आपका टेस्ट था 18 जनवरी का वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज के करंट अफेयर्स। सो कल का आपका टेस्ट क्वेश्चन था कि हाल ही में किसे IUPAC ब्यूरो का सदस्य चुना गया है। तो IUPAC ब्यूरो के जो सदस्य चुने गए हैं उनका नाम है विपुल बिहारी साहा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही था। और काफी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था, विपुल बिहारी साहा आपका राइट आंसर था। IUPAC इसकी फुल फॉर्म भी आपको बतानी थी, काफी स्टूडेंट ने इसके फुल फॉर्म बताई थी बट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो IUPAC इसके फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इनका नाम याद रखना है। और मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए टेस्ट के लिए दिया था क्योंकि जो IUPAC के सदस्य हाल ही में बने हैं विपुल बिहारी साहा, ठीक, ये दूसरे भारतीय हैं जिन्हें IUPAC का ब्यूरो सदस्य चुना गया। और पहले भारतीय कौन थे उनका नाम भी मैंने बताया था, तो उनका नाम था CNR राव। CNR राव पहले भारतीय थे जिन्हें IUPAC का ब्यूरो सदस्य चुना गया था, और विपुल बिहारी साहा ये दूसरे भारतीय है, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आज का आपका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर है वो ये है कि हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलिया में WTA डबल्स का खिताब जीता है। तो उन प्लेयर्स के नाम आपको पता होना चाहिए, तो उनका नाम है सानिया मिर्जा और नाडिया केचिनोक। क्या नाम है? सानिया मिर्जा और नाडिया केचिनोक। जैसे कि क्वेश्चन से आपको क्लियर हो रहा है कि WTA डबल्स खिताब जीता है इन्होंने, डबल्स यानी कि टीम चैंपियनशिप थी ये, ठीक है। तो सानिया मिर्जा आप लोग को पता ही है हमारे भारत की टेनिस प्लेयर है, और नाडिया केचिनोक ये आपको बता दूं कि यूक्रेन की टेनिस प्लेयर है। कहाँ की? यूक्रेन की टेनिस प्लेयर है ये। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन दो प्लेयर्स ने फाइनल्स में किसे हराया है। तो फाइनल्स में इन्होंने चाइना की टीम को हराया है। कौन सी टीम को? चाइना की टीम को हराया है। नाम भी बता देती हूँ प्लेयर्स के, तो चाइना के जो प्लेयर्स हैं जो फाइनल्स में हारे हैं उनका नाम है सुआई पेंग और सुआई झांग। क्या नाम है? सुआई पेंग और सुआई झांग, इन दो प्लेयर्स के नाम आपको नोट करने हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि ये चैंपियनशिप कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई थी। तो क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है ये चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज की गई थी, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर होबार्ट में इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ? होबार्ट में, क्योंकि ये होबार्ट इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी ना। और कब से कब तक ऑर्गेनाइज किया गया था? 13 से लेकर 18 जनवरी तक इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये 2020 में इसका 27th एडिशन ऑर्गेनाइज किया, 27वां संस्करण इसका ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट बात आपको पता होना चाहिए वो WTA के बारे में पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है। तो WTA की फुल फॉर्म है वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन। क्या फुल फॉर्म है? वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन। और वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन इसकी स्थापना पूछ ली जाती है, तो स्थापना देखिए 1973 में हुई है। और WTA इसका हेडक्वार्टर भी मालूम होना चाहिए, तो इसका हेडक्वार्टर फ्लोरिडा में है। अब ये फ्लोरिडा कहाँ है? तो फ्लोरिडा US में है, ठीक है। उसके बाद WTA के चेयरमैन का नाम मालूम होना चाहिए, तो इसके चेयरमैन है स्टेव सीमन। कौन है? स्टेव सीमन इसके चेयरमैन है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई WTA के बारे में, और इन दो प्लेयर्स के नाम याद रखने जिन्होंने फाइनल्स में चैंपियनशिप जीती है। और जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन में कि ये ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज की गई थी चैंपियनशिप, तो यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जीके वाला पोर्शन होगा आपका वो, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है अक्सर। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपको याद रखनी है कैनबेरा है, और करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और प्राइम मिनिस्टर का नाम इंपॉर्टेंट नोट करना है, तो प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और आज का अगला और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में ICC अंडर 19 विश्व कप
कहाँ आयोजित किया गया है? तो आईसीसी अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है इसे हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। आपको पता ही होगा आईसीसी कौन सी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करता है? क्रिकेट चैंपियनशिप। तो क्रिकेट की प्रतियोगिता है ये, अंडर 19 कैटेगरी में खेली जाएगी, यानी कि 19 से कम एज के जितने भी प्लेयर्स होंगे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ये आपको याद रहे, अंडर 19 कैटेगरी की ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और यहाँ पर क्वेश्चन से क्लियर हो रहा है कि आईसीसी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये अंडर 19 वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ना, इसमें हमारे भारत ने 4 बार वर्ल्ड कप जीता है। कितनी बार? 4 बार वर्ल्ड कप जीता है अंडर 19 कैटेगरी में। और आईसीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है आईसीसी की फुल फॉर्म, पहले भी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है हमने, फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या फुल फॉर्म है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। उसके बाद आपको पता चाहिए आईसीसी की स्थापना कब हुई। तो आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई है। हेडक्वार्टर मालूम होना चाहिए, तो हेडक्वार्टर यूएई में है। यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में इसका हेडक्वार्टर है। और आईसीसी के सीईओ का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उनका नाम है मनु साहनी। और आईसीसी के जो चेयरपर्सन है उनका नाम भी नोट कर लीजिए, तो उनका नाम है शशांक मनोहर। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई आईसीसी के बारे में। अब जैसे बताया कि ये जो वर्ल्ड कप है जो कि 2020 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये दक्षिण अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर साउथ अफ्रीका, इसकी कैपिटल है प्रिटोरिया, ब्लॉमफंटेन और केप टाउन। 3 कैपिटल्स हैं साउथ अफ्रीका की, जिसमें से केप टाउन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साउथ अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड, और प्रेसिडेंट का नाम है सिरिल रैमफोसा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के बारे में। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे छोटे कद के व्यक्ति का नाम आपको बताना है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो उनका नाम है खगेंद्र थापा मगर। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है, खगेंद्र थापा मगर। पिक्चर दिखाती हूँ, ये है खगेंद्र थापा मगर जिनका हाल ही में निधन हो गया। ये आपको बता दूं कि नेपाल के थे। अब इस क्वेश्चन में जैसे कि मैंने बताया कि जो खगेंद्र थापा मगर थे ये विश्व के सबसे छोटे कद के व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया। सबसे पहले आपको इनकी हाइट बता देती हूँ। तो इनकी हाइट थी 2 फीट 2.41 इंचेस। कितनी हाइट थी? 2 फीट 2.41 इंचेस इनकी हाइट थी। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगी, इस क्वेश्चन में आपके क्लियर कर देती हूँ कन्फ्यूजन। देखिए, सिर्फ यही नहीं विश्व के छोटे व्यक्ति थे, और भी विश्व के छोटे व्यक्ति हैं। ठीक है, और सबसे छोटे व्यक्ति अगर पूछा जाए कौन है सबसे छोटे व्यक्ति, तो उनका नाम था चंद्र बहादुर डांगी। क्या नाम था? चंद्र बहादुर डांगी, जिनका निधन 2015 में ही हो चुका है। ठीक है, 2015 में इनकी डेथ हो चुकी है, चंद्र बहादुर डांगी की, जो कि 21.5 इंचेस के थे। ये सबसे छोटे व्यक्ति हैं विश्व के। और जिनका हाल ही में निधन हो गया हुआ है उनका नाम है खगेंद्र थापा मगर, इनकी हाइट 2 फीट 2.41 इंचेस थी। ये भी छोटे व्यक्ति माने जाते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका भी नाम दर्ज है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे व्यक्ति हैं, इनका नाम आपको याद रखना, क्योंकि 2020 में हाल ही में इनका निधन हुआ है। और अब जो आप लोग एग्जाम्स देंगे 2020 में, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि खगेंद्र थापा मगर ये कहाँ के थे, तो ये नेपाल के थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कन्फ्यूजन आपको थी वो मैंने क्लियर कर दिया। और अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कि हाल ही में किसने HURL के अपना यूरिया सोना उगले ब्रांड और लोगो का उद्घाटन किया है। तो HURL का एक ब्रांड शुरू किया गया जिसका नाम है अपना यूरिया सोना उगले। इसका हाल ही में लोगो भी लॉन्च किया गया और ये ब्रांड भी लॉन्च किया गया। ठीक है, अब आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि ये जो ब्रांड है इसे किसने लॉन्च किया है। तो उनका नाम है DB सदानंद गौड़ा, ए ऑप्शन आपका सही है। अब ये DB सदानंद गौड़ा कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है। तो ये आपको बता दूं कि ये हमारे रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। कौन है ये? रसायन और उर्वरक मंत्री, यानी कि ये हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं। कौन है? केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर। अगर पूछा जाए GK वाले क्वेश्चन पे, तो उनका नाम होगा DV सदानंद गौड़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इन्होंने हाल ही में ये ब्रांड लॉन्च किया अपना यूरिया सोना उगले, जो कि HURL का ब्रांड है। अब ये HURL, इसके बारे में आपको पता नहीं, तो इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म है? हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड, ये कंपनी है। ठीक है, जिसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, HURL ये कंपनी न्यू दिल्ली में है, ये याद रखना है आपको। और आपको बता दूं कि ये HURL जो कंपनी है ये किसके द्वारा चलाई जाती है। तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनीज है इंडिया की। पहली है कोल इंडिया,
कोल इंडिया और दूसरी है एनटीपीसी यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और तीसरी कंपनी है इंडियन ऑयल। इन तीनों कंपनीज की जॉइंट वेंचर कंपनी है HURL। इन तीनों कंपनीज ने इस मिलकर इस कंपनी में अपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तब जाके ये कंपनी बनी है HURL। ठीक है, जॉइंट वेंचर कंपनी है कोल इंडिया, एनटीपीसी और इंडियन ऑयल की, जिसका नाम है HURL। HURL की फुल फॉर्म बता चुकी हुई, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। और यहाँ पर क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर का नाम है, जिनका नाम है डीवी सदानंद गौड़ा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी इस क्वेश्चन के बारे में। और अगला और आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग ने किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हाल ही में नीति आयोग ने लद्दाख, डी ऑप्शन आपका सही है, लद्दाख के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। लद्दाख के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म पहले आपको बता देती हूँ, मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया ही है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया था। ठीक है, 370 आर्टिकल हटाने के बाद क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पहला है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। ये दोनों ही अब केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश, इसीलिए क्वेश्चन में लिखा है कि केंद्र शासित प्रदेश के साथ समझौता किया नीति आयोग ने, तो उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लद्दाख। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो इम्पोर्टेंट बात है, उद्देश्य क्या है इस समझौते का, यानी कि ये समझौता क्यों किया गया है। तो ये जो MoU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर जो किए गए हैं लद्दाख के साथ नीति आयोग ने, वो इसलिए किया गया है ताकि जो लद्दाख का एक प्रोजेक्ट है डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है लद्दाख का, नाम रिपीट कर देती हूँ प्रोजेक्ट का, डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विसेज टू स्टेट टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है इसके डेवलपमेंट के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, तो इसी प्रोजेक्ट के लिए ये समझौता किया गया। नीति आयोग के बारे में यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, लद्दाख के बारे में आपको बता ही दिया मैंने कि ये केंद्र शासित प्रदेश है और नीति आयोग। सबसे पहले आप नीति की फुल फॉर्म नोट कीजिए, तो नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग की फुल फॉर्म है। और उसके आपको बात पता होनी चाहिए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई है, तो नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई है और नीति आयोग इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है चेयरपर्सन का नाम, तो नीति आयोग के चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी। मैंने आपको बहुत बार बताया कि नीति आयोग के चेयरपर्सन जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं, तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी, इंपॉर्टेंट है। और नीति आयोग की फुल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है, बता चुकी हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पर आपको लद्दाख के बारे में जो फैक्ट बताया मैंने आर्टिकल 370 से रिलेटेड वो याद रखना है, प्लस नीति आयोग के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरे नॉर्थ जोन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो तीसरा नॉर्थ जोन सम्मेलन जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इससे हाल ही में जम्मू में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही है। और ये जो सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, ये याद रखना है आपको। क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो जितनी भी मीडिया इकाइयां हैं, जितनी भी मीडिया सोर्सेज हैं, उनके साथ तालमेल को बनाने के लिए इस सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, नॉर्थ जोन सम्मेलन है, इसका थर्ड एडिशन है, इसीलिए लिखा है तीसरा नॉर्थ जोन सम्मेलन। ठीक है, थर्ड एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 2020 में। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बता देती हूँ, लद्दाख के बारे में तो बता ही चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर आपको पता ही है दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, तो इसका कुछ पार्ट लद्दाख भी है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, इसकी कैपिटल है श्रीनगर और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, इंपॉर्टेंट है लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा की सीटें 6, राज्यसभा की सीटें 4, विधानसभा की सीटें 87 है। और फोक डांस याद रखना है, तो फोक डांस है झूमल और कूट डांस, और नेशनल पार्क है द चिंगम नेशनल पार्क, जीके वाला पोर्शन है जिसमें फोक डांस, नेशनल पार्क और लोकसभा राज्यसभा की सीटें पूछ ली जाती हैं अक्सर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में NDRF का 15वां स्थापना दिवस कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। तो NDRF का जो 15वां स्थापना दिवस ऑर्गेनाइज किया गया 2020 में, इसे हाल ही में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, बी ऑप्शन आपका सही है। अब ये NDRF, इसके बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताती हूँ, सबसे पहले फुल फॉर्म बता देती हूँ। तो NDRF इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। और इस स्थापना दिवस वाले दिन क्या हुआ है कि NDRF के जो सैनिक होते हैं
उन्हें सम्मानित किया जाता है, ठीक है। NDRF फुल फॉर्म से आपको क्लियर हो गया होगा, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, यानी कि डिजास्टर जितने भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उस समय लोगों की हेल्प करने के लिए जो सैनिक होते हैं वो आम पुलिस नहीं होती है, वो NDRF के सैनिक होते हैं, ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के सैनिक होते हैं जो उस समय लोगों की मदद करते हैं। तो इसीलिए ये स्थापना दिवस मनाया गया NDRF का, न्यू दिल्ली में से ऑर्गेनाइज किया गया था। और NDRF की फुल फॉर्म बता चुकी है, उसके बाद स्थापना दिवस बता देती हूँ। तो इसकी स्थापना 2006 में हुई है और NDRF का जो हेडक्वार्टर है ना ये न्यू दिल्ली में ही है। और दिल्ली का नाम जब भी आता है तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ जो कि आपको नोट करनी है कि दिल्ली के सीएम का नाम क्या है। तो दिल्ली के जो सीएम है उनका नाम है अरविंद केजरीवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि मुख्यमंत्री। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस क्वेश्चन के बारे में। और अगला करंट अफेयर देखते हैं कि हाल ही में किसने रोम रैंकिंग सीरीज में 53 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो उनका नाम है विनेशा फोगाट, सी ऑप्शन आपका सही है, विनेशा फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज में 53 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता है। रोम रैंकिंग सीरीज यानी कि ये रोम में ऑर्गेनाइज की थी। रोम कहाँ पर है आपको पता है ना, इटली की कैपिटल है रोम, किसकी कैपिटल है, इटली की कैपिटल है रोम, ठीक है। विनेशा फोगाट ये हमारे भारत की पहलवान है, इन्होंने हाल ही में 53 किलोग्राम वर्ग में ये गोल्ड जीता है। फाइनल्स में किसे हराया, तो फाइनल्स में इन्होंने इक्वाडोर की प्लेयर को हराया, ठीक है, इक्वाडोर कंट्री की प्लेयर थी ये, एक उनको हराया, ठीक है। और यहाँ पर आपको रोम मैंने बता दिया इटली की कैपिटल है, तो इटली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर इटली की कैपिटल है रोम, करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट का नाम है सर्जिला मेट्रेला। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का नाम याद रखना, तो प्राइम मिनिस्टर ग्यूसेप्पा कोंटे। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इटली के बारे में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की गई है। तो इन चार ऑप्शन में से सी ऑप्शन आपका सही है, हाल ही में ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये यूएन ने जारी की है, यूनाइटेड नेशन ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। और इस रिपोर्ट में जीडीपी दर के बारे में बताया गया, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे भारत की जीडीपी की जो विकास दर है, जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो विकास दर है वो 5.7% है। कितनी है, 5.7% है, ठीक है। अब जीडीपी की फुल फॉर्म पता लग गया आपको, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये रिपोर्ट किसने जारी किया, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट बाय यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बहुत बारे में बहुत बार हम डिस्कस किया हुआ है, बहुत ही इजी आपको याद हो गया होगा। यूएन के बारे में फिर से डिस्कस कर लेते हैं, तो इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले नोट कीजिए, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र, बताया मैंने आपको। उसके बाद यूएन की स्थापना याद रखिए, तो 1945 में यूएन की स्थापना हुई है, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है। और यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो उनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कौन है, तो उनका नाम है मीना जे मोहम्मद। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई यूएन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा विंग्ड रेडर नामक अभ्यास ऑर्गेनाइज किया गया। तो विंग रेडर जो अभ्यास है ये हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ए ऑप्शन आपका सही है, विंग रेडर नामक अभ्यास ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। तो आपको बता दूं कि ये जो विंग रेडर अभ्यास है इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि जो हमारे सैनिक है उन्हें हवाई युद्ध के लिए ट्रेनिंग दी जा सके, ठीक है, हवाई युद्ध के लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जा सके, इसीलिए इस अभ्यास को ऑर्गेनाइज किया गया। याद रखना इस अभ्यास का नाम याद रखना है, विंग्ड रेडर, इंपॉर्टेंट है। और आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है ओलेक्सी होंचरुक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ओलेक्सी होंचरुक ये आपको बता दूं कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर थे, सी ऑप्शन आपका सही है, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम इंपॉर्टेंट याद रखना है। और ओलेक्सी होंचरुक के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये बताती हूँ कि ये 2019 में यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर बने थे। कब बने थे, 2019 में यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर बने थे। मैंने आपको करंट अफेयर भी पढ़ाया था जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। और अगर आप लोगों को नहीं पता है नियुक्तियों वाले क्वेश्चन, तो 2019 में जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई थी उनके अलग से लेक्चर बने हुए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, वहां से आप लोगों को मिल जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट है आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो इसलिए उसे पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी एग्जाम्स की वीडियोज आपको चैनल के प्लेलिस्ट में गिवन है, वहां से चेक कर लीजिए, आपको ईजी लैंग्वेज में वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये प्रधानमंत्री के इस्तीफे से रिलेटेड मैंने आपको एक और करंट अफेयर पढ़ाया था कुछ दिनों पहले, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, किस देश के, रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम था
दिमित्री मेडवडेव, क्या नाम था रशिया के प्राइम मिनिस्टर का, दिमित्री मेडवडेव, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उनका नाम भी याद रखना। और उसके बाद मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि रशिया के नए प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं, तो उनका नाम भी याद रखना, रिपीट कर देती हूँ, तो उनका नाम है मिखाइल बी मिशुतिन। क्या नाम है? मिखाइल बी मिशुतिन, ये रशिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर है। पुराने प्राइम मिनिस्टर दिमित्री मेडवडेव थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। और अभी यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया जिनका नाम है योलेक्सी होंचरुक, ये याद रखना है। और यूक्रेन के अगर कोई नए प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो आप करंट पे पढ़ा दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यूक्रेन के बारे में पता होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर यूक्रेन, इसकी कैपिटल है की, करेंसी है यूक्रेनियन हैरानिया, और प्रेसिडेंट का नाम याद रखना है, तो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर जेलेंस्की। और प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैंने अभी बताया आपको, इस्तीफा दे चुके हैं वो। और आज का आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि हाल ही में बापू नाडकर्णी का निधन हो गया है, आपको बताना कि निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। तो बापू नाडकर्णी ये क्रिकेट से संबंधित थे, डी ऑप्शन आपका सही है, ये हमारे क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर थे, ठीक है। ये पास्ट में ऑलराउंडर थे, क्रिकेट से संबंधित थे ये बापू नाडकर्णी, इनका निधन हो गया। एज बता देती हूँ, तो 87 ईयर की एज में इनका निधन हुआ है, याद रखना है आपको। और इन्होंने इंडिया के लिए 41 टेस्ट मैचेस में 1414 रन बनाए थे और 88 विकेट भी लिए थे, ठीक है। इनका नाम याद रखना है बापू नाडकर्णी, इंपॉर्टेंट नाम है ये। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई इस क्वेश्चन के बारे में, और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। और जैसे कि स्टार्टिंग में कहा गया था कि आपको लास्ट में टेस्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, बट टेस्ट डिस्कस करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं, तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनबीटी के निर्देशक कौन बने हैं? तो इन चार ऑप्शन में से उनका नाम बताना है, प्लस एनबीटी, इसकी फुल फॉर्म बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म। एनबीटी के बारे में और भी इंपॉर्टेंट जो बातें बताई गई थी आपको, वो भी रिपीट करनी है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो आपको बताइए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, कमेंट करके आंसर भी बताइएगा। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, और ज्यादा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।